जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा दर्शन में। आज हम लोग जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग यूथ कंपटीशन के बुक से दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवे में प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया, जैसे RRB, ग्रुप डी, NTPC, ALP, RPA, पैरामेडिकल, RRB, JEE आदि एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम लोग इस यूथ कंपटीशन बुक के भाग वन स्टार्ट किए थे, जिसमें है फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग लगभग दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर में यूनिट, मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटीज आदि को, सेकंड चैप्टर में वर्क, पावर, एनर्जी, मास, मोमेंटम, फर्स्ट लॉ, फोर्स आदि कंप्लीट किए हैं। और अब जो सेकंड चैप्टर में कुछ और टॉपिक बचा है, तो उस टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हैं। संवेग संरक्षण का नियम आदि बचा हुआ है, तो उसको हम लोग आज क्लियर करेंगे। तो नोटिफिकेशन है दोस्तों, RRB ग्रुप डी, ALP और RPF आदि का नोटिफिकेशन आ गया है। तो आप अभी से ही प्रिपेयर हो जाएं और तैयारी करने में जुड़ जाएं, क्योंकि वैकेंसी आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग जनरल साइंस। तो दोस्तों अभी आप इस चैनल पर नया हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी चैनल के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जुड़िए, उसमें PDF वगैरह भी सेंड किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि वीडियो का स्टार्टिंग बताया था कि यूथ कंपटीशन का बुक से हम लोग रिविजन कर रहे हैं, उसका भाग वन फिजिक्स है। तो फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है यूनिट, मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज आदि, जितना भी टॉपिक है उसको हम लोग कंप्लीट रिवीजन कर लिए हैं। उसके बाद आ गया सेकंड चैप्टर, सेकंड चैप्टर में वर्क, पावर, एनर्जी, मास, न्यूटन्स लॉ, फोर्स और लीनियर मोमेंटम यानी कि संवेग संरक्षण, रैखिक संवेग तक के कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी जो बचा है दोस्तों उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अब जो है से मात्र 5% बचा है सेकेंड चैप्टर का, 95% हम लोग कवर कर लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे संवेग संरक्षण का नियम, छोटा छोटा टॉपिक है। चलिए हम शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में, इसी चैनल पे दोस्तों प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में यूथ कंपटीशन का जितना भी साइंस का हम लोग लेक्चर लिए हैं उसको सीरीज वाइज में डाला गया है, तो प्लेलिस्ट में देखिए। और प्लेलिस्ट देखने से क्या होगा कि सीरीज वाइज से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और क्लैरिटी के साथ में आपको समझ में आएगा। और टेलीग्राम ग्रुप पे PDF डाउनलोड कर दीजिए, PDF से क्या कीजिए, रिविजन कीजिए, न्यूमेरिकल बताइए। हालांकि सारे न्यूमेरिकल को अच्छे तरह से सोल्व किया जा रहा है इस लेक्चर में, उसको आप देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। देखेंगे आज का टॉपिक है संवेग संरक्षण का नियम यानी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो दोस्तों अभी भी आप इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक पिनअप कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उससे जुड़ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 380 कह रहा है दोस्तों, सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 380 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 379 तक हम देख लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 380 स्टार्ट बोल रहा है, क्या कह रहा है कि किसी रॉकेट का उड़ान, जो रॉकेट है दोस्तों, रॉकेट कैसा होता है, ऐसा होता है रॉकेट, तो रॉकेट का जो उड़ान है डॉट द्वारा समझा जा सकता है, समझा जा सकता है किसके द्वारा समझा जा सकता है। तो रॉकेट जो है दोस्तों पहले क्या रहता है, स्थिर अवस्था में रहता है, जब वह गति करता है तो पीछे से धुआं छोड़ता है दोस्तों, पीछे से क्या करता है, बहुत स्पीड में, हाई वेलोसिटी में धुआं छोड़ता है। क्यों छोड़ता है धुआं, क्योंकि जितना स्पीड से धुआं पीछे की ओर छोड़ेगा उतना ही स्पीड से क्या होगा, रॉकेट आगे की ओर निकलेगा, आगे की ओर पुश अप होगा। तो कौन सा सिद्धांत, न्यूटन का कौन सा लॉ इसमें लागू होता है, उसको आप समझने के लिए अच्छा से प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस जो है से वीडियो देखिए, और प्रीवियस वीडियो में न्यूटन लॉ जिसमें पढ़ाया गया है उसको आप अच्छा से देखिएगा, उसमें ज़्यादा समझ में आएगा कि कौन सा इसमें नियम लागू होता है। देखिए अब देखिए इसमें दोस्तों संवेग संरक्षण के नियम से हम लोग समझते हैं, किस नियम समझते हैं, संवेग संरक्षण के नियम समझते हैं, ऑप्शन बी सही है। चलिए डिस्क्रिप्शन करता है, रॉकेट का उड़ान संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम के अनुसार किसी कणों के लिए, किसी कणों के लिए किसी समूह का निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, किसी कणों के लिए किसी समूह के या किसी निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। उस निकाय का क्या, कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और टक्कर के बाद संवेग क्या रहेगा, बराबर रहेगा। जब बाहरी कोई बल कार्य नहीं करेगा ना, तो टक्कर के बाद और टक्कर के पहले क्या रहेगा, उसका संवेग बराबर रहता है दोस्तों। यानी कि सीधा सीधी रॉकेट किस सिद्धांत पर उड़ता है, तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है, रॉकेट .. संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अभी बताए थे, ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 382 कह रहा है दोस्तों, रॉकेट .. संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, किसके, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन
ये सही है। क्वेश्चन नंबर 383 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है, किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। तो अंतरिक्ष में भी कार्य करता है दोस्तों, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 384 कह रहा है एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े, एक सेल कहने का मतलब एक पिंड है, उसको जब विस्फोट होगा तो कई टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। क्या होते हैं? उड़ जाते हैं। ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर कोई सेल जो विस्फोट होता है अंतरिक्ष में तो उसका अलग अलग टुकड़ा जो होता है अलग अलग होने के बाद कई दिशाओं में उड़ जाता है। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? टकराए या टूटे, बाह्य बल कार्य नहीं करेगा उसमें, तो क्या संरक्षित रहेगा? उसमें संवेग संरक्षित रहेगा। ऑप्शन डी सही है, ठीक है। फिर से कह रहे हैं किसी एक सेल का विस्फोट के बाद कई टुकड़ों में कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, तो इस स्थिति में परिणामी बल का मान क्या होता है? शून्य होता है, तो उसमें क्या होगा? संवेग संरक्षित रहता है। चलिए अब एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 385 कह रहा है दोस्तों 2 kg का एक पिस्तौल, कितना केजी का? 2 kg का 150 m/s की वेग के साथ 30 g की एक गोली को क्षैतिज रूप से चलाई गई, तो पिस्तौल का प्रतीक्षित वेग क्या होगा? यानी कि पिस्तौल का प्रतीक्षित वेग क्या होगा? क्या होगा पिस्तौल का प्रतीक्षित वेग? यानी पिस्तौल जो पीछे की ओर धक्का देगा कितना धक्का देगा? गोली की गोली से ज्यादा स्पीड में धक्का नहीं देगा, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, गोली का मास कम है, तो गोली से ज्यादा स्पीड में धक्का नहीं देगा, लेकिन थोड़ा भी झटका देगा, लेकिन कितना स्पीड से झटका देगा वही गणना करने के लिए बोल रहा है। तो ये निकालते हैं दोस्तों हम लोग संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। संवेग दोनों का संवेग क्या होता है? बराबर होता है। क्या कहा? जब बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तो दोनों का संवेग क्या रहेगा? बराबर रहता। यानी कि पिस्तौल का संवेग को हम लोग M1 बड़ा वाला मान लेते हैं, M1V1 इजिकल टू छोटा वाला संवेग जो गोले का संवेग होगा M2V2 उसका बराबर होगा। M1 का मान दिया है, बड़ा वाला कितना दिया है जो पिस्तौल है उसका 2 kg, इसका वेलोसिटी नहीं दिया है, V1 नहीं दिया है, लेकिन छोटा वाला जो गोली का कितना दे दिया है 30 g, 30 g को हम लोग 30 g को दोस्तों हम लोग kg में कन्वर्ट करेंगे, यानी 0.03 kg। यहाँ पे क्या करना है 0.03। स्पीड कितना हो जाएगा उसका? स्पीड है 150, कितना है 150 m/s। अब इसको पॉइंट हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, ठीक है, 10 से 10 काट देंगे। अब देखिए यहाँ 2 × V1 = 3 हो गया, × 15/10, 10 को यहाँ कर दीजिए, यानी कि 20 × V1 = 15 × 45, ठीक है, इसको डिवाइड कीजिए, यानी कि V1 = 45/20। अब इसको काटिए, 12.5 कितना हो जाएगा? 45 × 22 = 22.5 × 10, यानी कि 2.25 m/s क्यों रहेगा? क्योंकि इसका विपरीत दिशा में है। ऑप्शन ए सही है। तो कैसे निकाले? संवेग से निकाले, दोनों का संवेग बराबर कर दिए, तो उसके बाद मान पुट करके इसका वेलोसिटी निकाल लिए, ठीक है। यह वेग दागी गई गोली के विपरीत दिशा में है, किसके दिशा में है? विपरीत दिशा में है, इसीलिए प्रतीक्षित वेग क्या होगा? माइनस में होगा, −2.25 m/s। फिर से अगला क्वेश्चन है, इसी न्यूमेरिकल इसी मेथड पर है। क्या कह रहा है? 0.01 kg, इसको 100 g नहीं कह के क्या कह दिया इसको? 10 g नहीं कह के क्या कह दिया इसको? 0.01 kg। द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली, गोली का द्रव्यमान कितना है? इतना है 5 kg द्रव, 5 kg वजन की बंदूक से दागा जाता है। कितना केजी बंदूक का वजन है? 5 kg। तो प्रारंभिक चाल, यानी कि जब गोली निकलती है तो उसका 250 m/s की चाल से निकलती है, तो बंदूक का प्रतिक्षेप यानी कि रिकॉल जो पीछे झटका देगी वो कितने चाल से देगी, कितना वेग से देगी? फिर इसमें क्या करेंगे? दोनों का संवेग यानी कि P1 = P2 दोनों को बराबर करेंगे। P1 को क्या लिख सकते हैं? M1V1 = M2V2, ठीक है। M1 का मान दिया है, M1 हम मानेंगे बंदूक को, M1 का कितना दे दिया है? M1 दे दिया है 5 kg। V1 नहीं दिया है, वेलोसिटी तो बंदूक का वेलोसिटी ही पूछ रहा है, जो प्रतिच्छेद यानी रिकॉल कर रहा है उसका वेलोसिटी पूछ रहा है,
एम टू दिया है, एम टू दे दिया है 0.01, ठीक है। इसका वेलोसिटी दे दिया है गोली का, कितना दे दिया 250, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा दीजिए, यानी नीचे में 100 आ जाएगा, इसको से एक बार में काटिए। अब देखिए दोस्तों, इसको काटिए 5/25, कितना हो जाएगा 5/25, ठीक है। यानी वी वन का माना जाएगा 5/10, यानी कहने का मतलब 0.5 माइनस में मीटर पर सेकंड, कहाँ पे है 0.5 माइनस में, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तब आसानी से बनाइए, और पिछले वीडियो का जो न्यूमेरिकल है उसको आसानी से देखिए, आपको इतना अच्छा लगेगा और इतना जो रीजनिंग की तरह समझ में आएगा, एकदम हल्का हल्का लगेगा साइंस का न्यूमेरिकल, वो भी फिजिक्स का। क्वेश्चन नंबर 387 देखिए, कह रहा है एक 2 kg का गेंद, कितना केजी का गेंद है 2 kg का गेंद 5 मीटर पर सेकंड की वेग से चलती हुई किसी स्थिर 4 kg वाली गेंद से टकराती है, और टक्कर के बाद दोनों का वेग क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है मान के चलिए कि एक गेंद है, ठीक, एक गेंद है, क्या है, एक गेंद है, ठीक। गेंदवा का हो रहा है, गेंदवा लुढ़क रहा है, कितना से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लुढ़क रहा है। गेंदवा के मास जो है ना वो 2 kg है, ठीक। अब गेंद जो है आगे बढ़ते 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 क्या हो गया, रखल था पत्थर, वो पत्थर से टकरा गया, पत्थर का जो या कोई चलती हुई स्थिर कोई पत्थर या कोई वस्तु है उससे टकरा गया, इसका तो इसका वजन कह दिया 4 kg। अब टकराने के बाद गेंद क्या करेगा कि अपने वेलोसिटी इस पे लगाएगा, लेकिन लगाएगा कहेगा चल तू साथे कैसे जाएगा, इसका तो वजन हो गया, दोनों का मास ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा भारी। तब कह रहा है कि आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तो नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा कम स्पीड से हम चलेंगे जरूर साथ में, तो कितना का स्पीड से चलेगा वही देखना है। देखिए कैसे कह रहा है, टक्कर के बाद दोनों का वेग क्या होगा। अब जब टक्कर हो गया तो इसका दोनों का मास क्या होगा, m1 और प्लस में हो गया m2, ठीक। संवेग संरक्षण के नियम कहता है कि दोनों का टक्कर के पहले और टक्कर के बाद संवेग क्या रहेगा, समान रहेगा। टक्कर के बाद क्या हो जाएगा, इसका मास तो चेंज हो जाएगा, लेकिन संवेग क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो मान लीजिए दोस्तों p1 जो है से टक्कर का पहले का संवेग है, और p2 जो है से टक्कर के बाद का संवेग है, तो p1 के लिख सकते हैं m1, क्या लिख सकते हैं m1 इंटू भी, क्या लिख सकते हैं m1 इंटू भी। अब जो है जो इसका संवेग है के जो लुढ़क रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, इसका संवेग है। अब जो स्थिर था, जो स्थिर था 4 kg वाला, उसका भी संवेग होगा, उसको हम लोग मान लीजिए उसका m रख देते हैं, इसका क्या रखते हैं m रखते हैं, m इंटू भी। अब दोनों जब एक साथ हो जाएगा m2 इंटू v2, अब जो जब दोनों एक साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा संवेग, m1 प्लस m2 हो जाएगा, दो गो मास हो जाएगा, और बड़ा वाला भी हो जाएगा, ठीक। यानी कि ये दोनों का कॉमन वेलोसिटी हो जाएगा, दोनों एक वेलोसिटी से चलने लगेगा, बड़ा वाला भी, बस यहीं तक रहने दीजिए। अब देखिए अब थोड़ा सा और थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, बहुत मस्त है। अब इसका मान रखिए जो m1 है, जो गेंद का है उसका रखिए, कितना है 2, जो 2 kg वाला गेंद है कितना स्पीड से चल रहा था, 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड से चल रहा था, ठीक। अब यही तक रहने दीजिए। अब जो 4 kg वाला है वो पहले क्या था दोस्त, पहले था वो स्थिर अवस्था में, तो 4 kg का मास रख दिए 4, उसका वेलोसिटी कितना था 0, कितना था वेलोसिटी 0, बस यही तक रहने दीजिए। ये जो है इसका संवेग है टकराने के पहले वाला संवेग। अब टकराने के बाद क्या हो जाएगा, टकराने के बाद हो जाएगा 2+4, अब भी कह देते हैं, यानी कि दोनों का मास ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे जब इसका वेलोसिटी ही नहीं रहेगा तो इसमें होगा मोमेंटम, इसमें संवेग होगा, नहीं होगा, इसलिए तो किए थे, क्यों किए थे, क्योंकि आपको समझ में आएगा। देखिए चल रहा है, उसका मोमेंटम है, उसका संवेग है, कितना है 10 kg/s इसका संवेग हो गया, लेकिन नहीं चल रहा था तो उसको क्या हो गया, 0 हो गया। आपको पता चल गया कि हाँ टकराने के पहले कितना संवेग था, 10 kg/s संवेग था। अब देखिए 6 kg हो गया इसका वजन, और प्लस में इंटू में वेलोसिटी है, जो बड़ा वाला वेलोसिटी है। अब इसको वेलोसिटी का मान कितना आ गया, 10/6। अब इसको काट के देखिए 1.66 m/s आ गया बड़ा वाला का वेलोसिटी, क्या आ गया, बड़ा वाला का वेलोसिटी कितना आ गया, 10.66 m/s आ गया बड़ा वाला का वेलोसिटी, ठीक है। जब बड़ा वाला का वेलोसिटी आ गया 10.66, अब जो दोनों ऐड हो जाएगा, गेंद और ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो इतना 1.66 m/s से क्या करने लगेगा, चलने लगेगा, ठीक। अब कह रहा है कि पुनः
अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 388, देखिए क्वेश्चन नंबर 388 कह रहा है 3 kg का एक पिस्तौल 150 मीटर पर सेकंड की वेग से 20 ग्राम की एक गोली को क्षैतिज रूप में चलाती है, तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या होगा। फिर वही बात कह रहा है M1 V1 पर निकालना है, दोनों का संवेग क्या रहेगा, दोनों का संवेग सेम रहेगा, M1 V1 M2 V2। M1 कितना है, M1 दे दिया है 3 kg, बड़ा वाला क्या दे दिया है 3 kg, इसका वेलोसिटी नहीं दिया है, इसी का तो प्रतिघाती वेलोसिटी हो गया। अब कह रहा है M2 V2, M2 कितना है 20 ग्राम, 20 ग्राम को लिख सकते हैं 0.02, ऐसे लिखेंगे, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे, केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा 0.02 kg हो जाएगा। वेलोसिटी कितना है गोली का 150, कितना है 150। अब इसको 3 × V1 को लिख सकते हैं, इसको यहाँ से 100 में कर देंगे, इसको से इसको काटेंगे, 5 बार में इसको काटेंगे, यहाँ इसको 3 बार में काट देंगे, 35 15, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको से इसको काटेंगे, यानी कि V1 का मान क्या हो जाएगा 1 m/s, प्रतिघाती क्या होगा इसका 1 m/s या स्पीड से पीछे की ओर प्रतिघाती वेलोसिटी रहेगा, यानी कि पीछे की ओर झटका देगा। ऑप्शन कौन सा है, प्रतिघाती कहने का मतलब माइनस में रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 389, 10 m/s की गतिमान, 10 m/s से गतिमान एक 2000 kg का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार को टक्कर मारती, क्या कर देती है, 2000 kg का ट्रक और 10 m/s की स्पीड से चल रही थी, कार को क्या मार दी, टक्कर मार दी, टकराव के बाद दोनों के साथ दोनों एक साथ 8 m/s की गति से चलने लगी, तो कार का द्रव्यमान क्या होगा। बहुत अच्छा, M1 मान लीजिए ट्रक का कितना है 2000 kg, ठीक है, V1 मान लीजिए स्पीड ट्रक का 10 m/s, ठीक है, V2 मान लीजिए कार का वो है 8 m, जब दोनों एक साथ चलने लगा कितना चलने लगा, जब दोनों एक साथ चलने लगा, यानी कहने का मतलब V1 + V2, कहने का मतलब क्या हो गया, जब दोनों एक साथ चलने लगा तो उसको क्या कहेंगे, V1 + V2 कितना हो गया 8 m/s हो गया, क्या हो गया कॉमन वेलोसिटी 8 m/s, या इसको हम लोग भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों जब दोनों का संवेग समान हो, जब दोनों टकराने के साथ जब चिपक जाता है, तो उसका फॉर्मूला होता है M1 V1, ये तो जो है टकराने के पहले वाला संवेग था, टकराने के बाद दो गो मास हो जाएगा M1 + M2, अब बड़ा वाला भी जो टकराने के बाद वाला वेलोसिटी है से। अब इसी से क्या कह रहा है, कह रहा है कि M2 का मान पूछ रहा है, M1 का मान तो पता है मेरे को, लेकिन M2 का मान नहीं पता है। M1 देखिए, M1 क्या है 2000, अब कोई पता है इसका वेलोसिटी कितना था 10 था, M1 का मान कितना है 2000, M2 का मान कितना है नहीं पता है, M2 का मान यही कार का मान है, इसको कार का जो द्रव्यमान है उसको निकालना है, V का मान पता है 8। अब इसको काटिए, अब इसको एक तरफ कीजिए, इसको देखिए, इसको यहाँ कीजिए 2000 × 10/8 बराबर 2000 + M2, इसको काटिए 5 × 10 = 4 × 8, इसको काटिए 4 × 5 = 20, यानी कि 500 बार में कट जाएगा। अब देखिए इसको गुना कीजिए 5 × 2500, क्या हो जाएगा 2500, तो इसको प्लस में है तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, -2000 = M2, यानी कि 500 हो जाएगा, 500 kg जो है से कार का द्रव्यमान होगा, कितना होगा 500 kg, कहाँ पे आंसर है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है 500 kg, ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। बहुत आसान से बनेगा, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और जितना भी न्यूमेरिकल बना रहे हैं उसका फॉर्मूला को आप अच्छे से अच्छे नोट डाउन कीजिए, रिविजन कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। आपको लग रहा होगा कि अब फिजिक्स बनाने में मजा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 390 देखिए, कह रहा है 3 kg का पिस्तौल 150 m/s की वेग के साथ 30 g की गोली को क्षैतिज रूप में चलाई जाती है, तो पिस्तौल के प्रतिघाती वेग क्या होगी। फिर वही बात है, देखिए टकराने के बाद, टकराने से पहले क्या रहता है, संवेग समान रहता है, यानी कि P1 = P2, P1 का मान क्या है M1 V1 = M2 V2, M1 का मान क्या है, M1 का मान 3 है, V1 क्या हो गया 150, M2 V2 क्या हो गया, M2 हो गया दोस्तों 30 g, क्या हो गया M2 हो गया 30 g, 30 g को कैसे हम केजी में करेंगे,
इसको 30 ग्राम को हम लोग 1000 से भाग देंगे तब हो जाएगा केजी में, यानी कि 0.03 केजी। ठीक है, M2 कितना है 0.03 केजी। V2 क्या है, तो V2 क्या है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। क्या हुआ है कि हम लोग V2 को हम लोग V1 मान लिए हैं, यहाँ पे जो है से V1 रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे V1 रहेगा, V1। V2 क्या है 150। ठीक है, V1 ही तो निकालना है प्रतिघाती। अब इसको यहाँ पे 100 से भाग देने से क्या होगा, इसको पॉइंट खत्म हो जाएगा, इससे इसे डायरेक्ट कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 3 × 15 2 × 10, यानी कि V1 का माना जाएगा दोस्तों जो प्रतिघाती होगा -1.5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है 391 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को एक राइफल से दागा जाता है, गोली बैरल से होकर जाने में 0.06 सेकेंड का समय लगाती है और 300 मीटर पर सेकेंड से बेग 300 मीटर पर सेकेंड के बेग से छोड़ती है, तो राइफल द्वारा गोली को गोली पर आरोपित बल क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि बैरल से निकलने में कितना लगा रहा है 0.0006 सेकेंड लगा रहा है, फिर कह रहा है कि कितना स्पीड से गोली निकल रहा है 300 मीटर पर सेकंड के वेग से निकल रहा है, राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल क्या होगा। एम का मान दे दिया है दोस्तों, एम का मान दे दिया है जो गोली का द्रव्यमान है 12 ग्राम। ठीक है, टी का मान दे दिया है जो कितना सेकंड ले रहा है, 0.006 सेकंड ले रहा है टी का मान। उसके बाद वेलोसिटी जो है दोस्तों भी, वो भी हो गया 300 मीटर पर सेकेंड। अब आपको से फोर्स पूछ रहा है, फोर्स फोर्स क्या होगा, देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता है दोस्तों एफ बराबर एम ए, एफ बराबर क्या होता है एम ए, एम का तो पता है लेकिन ए का पता नहीं, तो ए बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों भी माइनस यू बटा टी, क्या होता है भी माइनस यू बटा टी। अब भी का तो पता है लेकिन यू का पता नहीं है, तो U जो है इसे जोर जीरो है, U जो है इसे 0 मीटर पर सेकंड है। कैसे 0 मीटर पर सेकंड है दोस्तों, 0 मीटर पर सेकंड कहने का मतलब यही है कि जब इनिशियल पोजीशन पर था, जब मतलब कि स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में जब था तो स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी कितना था 0 था, स्टार्टिंग क्या था उसका वेलोसिटी 0 था। ठीक, लेकिन जैसे ही उसका वेलोसिटी बढ़ गया तो क्या हो गया 300 मीटर पर सेकंड, यहां पे लिखेंगे 300 माइनस 0 कितना सेकंड में ले रहा है दोस्तों 0.006 सेकंड ले रहा है। एक्सीलरेशन का फॉर्म, एक्सीलरेशन बराबर क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन देखते हैं इसके लिए एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, तो 300/0.006। इसको पॉइंट खत्म करने के लिए ऊपर क्या होगा 1000 से गुना होगा, क्या होगा 1000 से गुना होगा, इसको काटिए कितना बार में काट जाएगा 6×5=30 यानी कि 50, 50 पर कई 0, 50 पर 3 0 3 0। ठीक है, ये एक्सीलरेशन आ जाएगा दोस्तों। अब इसको हम लोग फोर्स में कन्वर्ट करेंगे, फोर्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला एफ बराबर एम ए, इसको ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे केजी में, केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे इसको 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.012, क्या हो जाएगा 0.012 केजी हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए 0.012 इंटू 5000। ठीक है, अब देखिए जैसे ही इसको पॉइंट को खत्म करेंगे तो नीचे कितना जीरो आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 0, कितना जीरो आएगा 3 0 आ जाएगा नीचे 3 0 से दोस्तों इसको काट देंगे। ठीक है, 4 0 है इस पे 3 0 से, अब हो जाएगा 50 × 12 12×5=60 10 और यानी कि 600 न्यूटन का फोर्स लगा, कितना न्यूटन का 600 न्यूटन का। थोड़ा सा लंबा लग रहा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, आप एक बार और रिवीजन कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगला टॉपिक आ गया दोस्तों दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो इस चैनल पर नया है तो फिर से बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दूरी और विस्थापन के साथ।